टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जहां पर पहले 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद 4 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे। ऐसे में भारतीय टीम आज रात ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी और ऑस्ट्रेलिया में जीत के सपने के साथ अपनी नींद को पूरा करेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले एक बार फिर टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घमंड देखने को मिला। रवि शास्त्री ने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और वो अभी भी मानते हैं कि उनकी टीम दुनिया की सबसे बेहतर टूरिंग टीम में से एक है। भाई शास्त्री, आपका घमंड तो अच्छा है, लेकिन क्या आप इंग्लैंड में मिली हार और साउथ अफ्रीका में मिली हार को भूल चुके हैं? खैर, यही हाल रवि शास्त्री ने हमारी टीम का भी कर दिया है। अपनी मनमर्जी से अपनी बातें रखते हैं, जिसके बाद जब भारत को हार मिलती है तो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में हारने के बाद रवि शास्त्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सीधा एशिया कप जीत के बाद रवि शास्त्री ने अपनी टीम को भरोसा दिलाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।